हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। तुम्हारे ये बाल जो मुझे नाग बनकर हमेशा डसते रहते हैं, मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद दिलाते रहते हैं जो मैंने द्यूत सभा में ली थी। भूलने भी नहीं दूंगी और मैं तो मरते दम तक अपने अपमान को भुला नहीं सकती और आप सबको उस समय तक क्षमा नहीं करूंगी जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाता। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है, इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। अर्जुन को इन 13 वर्षों में घोर तपस्या करके सदैव इंद्रलोक जाने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। फिर इंद्रलोक जाकर अर्जुन को अपने पिता श्री देवराज इंद्र से उनके दिव्यास्त्रों को प्राप्त करना चाहिए ताकि पांडव कौरवों से अपना अधिकार वापस लेने के लिए युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग कर सके। पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्यास्त्र अवश्य प्रदान करूंगा जो तुम्हें तुम्हें बहुत काम आएगा। मैं धन्य हुआ पिताश्री। उर्वशी, अर्जुन हमारे इंद्रलोक का विशेष अतिथि है, उसकी आवभगत और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। वाह मामाश्री वाह, आपने पांचों पांडवों को आखिर उनका रास्ता दिखाई दिया, उनका सारा राजपाट उनसे छीन लिया। वाह। हाँ मामाश्री, पांचाली द्रौपदी को तो निर्वस्त्र नहीं कर सके, परंतु पांडवों को तो आपने नंगा कर ही दिया। मामाश्री, ये सब आपके आज्ञाकारी पासों का चमत्कार है। निसंदेह निसंदेह ये चमत्कार ही तो है जिसने युद्ध के बिना ही इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को मेरे चरणों में लाके डाल दिया है। मामाश्री, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि द्यूत से पहले आपने जादू मंत्र से पासों को अपने वश में कर लिया था। अभी तो पासे आपके इशारों पर नाच रहे थे। तनिक धीरे बोलो अंगराज कर्ण, धीरे। सुना नहीं आपने, दीवारों के भी कान होते हैं। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र का किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अब कोई अनर्थ नहीं होगा मामाश्री, ना अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम राजा हो गए हैं, राजा। राजा तो बन गए हो, परंतु केवल 13 वर्षों के लिए। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट सब कुछ लौटाना ही पड़ेगा। हम कदापि नहीं लौटाएंगे अंगराज करण। इतना छल कपट पांडवों को केवल 13 वर्षों के लिए वनवास भेजने के लिए नहीं किया है। अरे 12 वर्षों में तो पांचों पांडव किसी वन्य प्राणी के भोजन बन जाएंगे, भोजन। यदि बच निकले तो हम उन्हें अज्ञातवास में से ढूंढ निकालेंगे और संधि अनुसार उन्हें फिर 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा, वनवास। अर्थात हमने पांडवों के भाग्य में आजीवन वनवास लिख दिया है। तनिक सोचो, वो भी क्या दृश्य होगा जब महाबली भीम अपनी गदा से वन में वृक्ष तोड़कर चूल्हे के लिए लकड़ियां काट रहा होगा और अर्जुन अपने वाणों से खाने के लिए वृक्ष से फल तोड़ रहा होगा। Thank you.
प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम माते। प्रणाम केशव। प्रणाम। प्रणाम द्वारिकाधीश। आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम तो एक वीर शुल्का नारी हो। नहीं केशव, एक स्त्री जिसके सहारे कमजोर पड़ गए हो, वो आंसू बहाने के सिवा कर भी क्या सकती है। वो तो भैया समय पर पहुंचकर मेरी लाज की रक्षा न करते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। कुछ नहीं होता, याद रखो जब तक तुम्हारा भैया इस संसार में है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, इस पर विश्वास रखो। अरे पांचाली बहन, दिल छोटा न करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जिनके मस्तक पर सूर्य का तेज है उन पांडवों के चेहरे पर निराशा और पराजय की काली घटाएं इन आंखों से देखी नहीं जाती। जिनका मान सम्मान पूरी तरह से लुट चुका हो वासुदेव, उनके चेहरे इस योग्य होते भी नहीं कि देखे जाएं। सच तो यह है कि हम किसी को मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहे, जीवन ने हमें कहीं का नहीं रखा। अच्छा हुआ हम संसार से कटकर इस वन के एकांत में आ गए, यहां हमारे लज्जित चेहरों को देखने वाला कोई नहीं है। अब इस वन में मुंह छुपाने से क्या लाभ? उस दिन दिवस सभा में सबके सब मुंह सीकर बैठ गए थे जब एक नारी का मान सम्मान और उसके प्रतिष्ठा को भारी सभा में नीलाम किया जा रहा था। द्रौपदी जो कभी दर्पण के सामने भी एक वस्त्र में नहीं जाती, उसे द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए भारी सभा में लाया गया, उसे वस्त्रहीन करने की चेष्टा की गई और ये दर्शक की भांति तमाशा देखते रहे। इनका खून नहीं खौला, इनके क्रोध का ज्वालामुखी नहीं फटा, अरे पांचों में से किसी एक का भी साहस नहीं हुआ जो मेरी लाज की रक्षा करते। द्रौपदी, मैं तुम्हारे अपमान के इस गहरे घाव से उठने वाली पीड़ा को समझता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा पर लगे एक एक घाव को देख रहा हूं और यह भी देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारे मन में प्रतिशोध का जो ज्वालामुखी धधक रहा है उसके विस्फोट से हस्तिनापुर ही नहीं तीनों लोग जलकर राख हो सकते हैं। परंतु हे पांचाली, जरा सोचो, ये पांच पांडव जो तुम्हारे पति हैं इनके सर बड़े से बड़े योद्धा के सामने नहीं झुके, परंतु आज अपने आप को तुम्हारा अपराधी मानकर सर झुकाए खड़े हैं। ऐसा नहीं कि इनके शस्त्रों की धार मिट गई है
ये अपने बल से आज भी प्रलय ला सकते हैं। तनिक तनिक इनकी आत्मा में झांक कर देखो, तुमसे कहीं ज्यादा अपमान के घाव मिलेंगे, जिसके केवल पीड़ा ध्वनि से ही पृथ्वी पर कंपन आ सकता है। इनके अंदर भी प्रतिशोध का एक तूफान पल रहा है। हां पंचाली, फिर भी ये अपने आप को संभाले हुए हैं, संभाले हुए हैं। इसे बोलने दीजिए वासुदेव, इसे बोलने दीजिए, हमें अपमानित करने दीजिए। पांचाली का क्रोध हमारे प्रति उचित है, इस समय इसकी बातें कड़वी अवश्य हैं, परंतु सत्य हैं। हां केशव, द्रौपदी के कड़वे शब्द जो बाढ़ बनकर मेरे हृदय को छेद रहे हैं, इनसे पीड़ा अवश्य हो रही है, परंतु मैं इस पीड़ा में तड़पते रहना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे अपमान के ये घाव यूं ही जीवित रहे, इनसे रक्त का झरना यूं ही बहता रहे, ताकि 13 वर्ष के बाद मुझे अपने किसी घाव को खुरेदना न पड़े, मुझे अपना प्रतिशोध स्मरण रहे। तुम इसे भूल भी कैसे सकते हो धनुर्धारी अर्जुन? क्या तुम मेरे इन खुले हुए बालों को नहीं देख रहे, जिसे पकड़कर दुष्ट दुशासन मुझे सभा में लाया था? अब ये बाल नहीं, विषैले नाग है नाग। इनकी फुंकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? ये चीख चीख कर दुशासन का नाम ले रहे हैं। अरे व्याकुल है ये नाग दुशासन की छाती का खून पीने के लिए। क्या तुम इनकी प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य बुझाऊंगा पांचाली, अवश्य बुझाऊंगा। तुम्हारे ये बाल जो मुझे नाग बनकर हमेशा डसते रहते हैं, मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद दिलाते रहते हैं जो मैंने द्यूत सभा में ली थी। भूलने भी नहीं दूंगी, और मैं तो मरते दम तक अपने अपमान को भुला नहीं सकती, और आप सबको उस समय तक क्षमा नहीं करूंगी जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाता। पांडव जंगल में पहुंचकर निराश हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें कौरवों की कुटिल चाल समझाई, जो यही चाहते थे कि पांडव निराश और बलहीन हो जाएं। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है, इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। अर्जुन को इन 13 वर्षों में घोर तपस्या करके सदेह इंद्रलोक जाने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। फिर इंद्रलोक जाकर अर्जुन को अपने पिता श्री देवराज इंद्र से उनके दिव्यास्त्रों को प्राप्त करना चाहिए, ताकि पांडव कौरवों से अपना अधिकार वापस लेने के लिए युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग कर सके। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार घोर तपस्या आरंभ कर दी। अर्जुन इंद्रलोक में सदेह जाने योग्य हो गया तो इंद्र ने उसे लाने के लिए अपना विमान धरती पर भेजा। आइए।
पुत्र अर्जुन, इंद्रलोक में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें दिव्यास्त्र अवश्य प्रदान करूंगा, जो तुम्हें युद्ध में बहुत काम आएगा। मैं धन्य हुआ पिताश्री। उर्वशी, अर्जुन हमारे इंद्रलोक का विशेष अतिथि है। उसकी आवभगत और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। अवश्य आइए। पिता देवेंद्र अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। उधर उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो जाती है। अर्जुन की विरह में तड़पती हुई उर्वशी एक रात अर्जुन के कक्ष में जाती है। इतनी रात गए, मैं शयन कक्ष में क्या कर रही हूँ? मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कर रही हूँ। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तुम इंद्रलोक के अतिथि हो और तुम्हारी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। परंतु इतनी रात गए? ये सुंदर रात जिसकी बाहों में चंद्रमा अपना प्रेम अर्पण कर रहा है, ये सितारे, ये मदमस्त सुगंधित पान, क्या बुराई है इस रात में? एक मनमोहन अतिथि की सेवा के लिए इससे उचित समय और क्या हो सकता है? देवी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए, तुम ही कहो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। समझ में नहीं आता? तुम इतने भोले तो नहीं हो सकते
किसी सुंदरी के यौवन और उसके आह्वान की भाषा नहीं समझ सकते। बताओ, क्या ये मेरे कटीले नैन कुछ नहीं कह रहे? मेरी चूड़ियों की खनक, पायल की छनक कुछ भी नहीं कह रही? इस सुंदर रात के सुंदर संकेतों को क्या तुम समझ नहीं पा रहे? हे अर्जुन, तुमसे अच्छा तो ये दर्पण है। एक स्त्री जब दर्पण के सामने अपने सुंदर यौवन को श्रृंगार रस में डुबोती है, सच धज कर अपनी छवि से लजाती है, तो ये निर्जीव दर्पण भी उसके श्रृंगार का इशारा समझ जाता है। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुम तो सजीव हो, जवान हो, और जवानी ये बातें स्वयं ही समझा देती है। हे वशी, लगता आज तुम पर सोमरस का नहीं यौवन का नशा चढ़ा है। परंतु ये नशा तुम पर क्यों नहीं चढ़ा? लो, इसे पी लो। यौवन की नशे की कमी ये सोमरस पूरी कर देगा। ये क्या कर रही हो? ये सदाचार नहीं, अनाचार है। इसमें अनाचार कैसा? मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ, और अतिथि का ही धर्म होता है कि उसकी सेवा में स्नेह और आदर भाव के साथ जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाए वो उसे इनकार न करे, वरना यजमान का अपमान होता है। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। माता? एक सुंदर स्त्री और नौजवान पुरुष के बीच माता का संबंध? तुम्हारी बातें तो मुझे श्राप के समान लग रही हैं। हे इंद्रनंदन, तुम व्यर्थ ही मेरे प्रेम को पाप और पुण्य के तराजू में तौल रहे हो। पाप और पुण्य का धर्म कांटा इंद्रलोक में नहीं पृथ्वी लोक में चलता है, और हम इंद्रलोक की अप्सराओं की कोई सीमा रेखा नहीं होती, कोई संबंध प्रतिबंध नहीं होता। तुम इस समय इंद्रलोक में हो तो यही की नीतियों को निभाओ। इसलिए संकोच न करो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। नहीं देवी, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं पृथ्वीलोक का वासी हूं, और इसीलिए मैं पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार ही अपने संबंधों की सीमा में रहूंगा। यही मेरा धर्म है। तो क्या पृथ्वीलोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। माता? हाँ, आप जानती हैं कि देवराज इंद्र मेरे पिता हैं, आप उनकी प्रेमिका हैं, इस कारण आप मेरे लिए माता समान हैं। देवी, आप मुझ पर दया करके इस कक्ष से प्रस्थान कर जाइए। दया? तुम जैसे निष्ठुर प्राणी पर दया? मैंने आज तक किसी से प्रेम की याचना नहीं की। मैं उर्वशी हूँ, उर्वशी। आज तक संसार के हर पुरुष ने मेरे सामने प्रेम की भीख मांगी है। मैंने पहली बार किसी से एक भिखारिन की तरह प्रेम की भिक्षा मांगी, और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपमान को संसार की कोई भी नारी नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अपने जिस यौवन, जिस पुरुषत्व का तुम्हें इतना घमंड है, मेरे श्राप से एक वर्ष के लिए तुम्हारे पुरुषत्व का नाश हो जाएगा। तुम एक वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओगे और स्त्रियों की भांति नाचते गाते फिरोगे। यही मेरा श्राप है जिसे कोई नहीं टाल सकेगा, कोई नहीं। माता,
मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। प्रभु, अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को इतना भयंकर श्राप दिया है। ये तो विचित्र घटना घटी है प्रभु। एक तरफ अर्जुन देवेंद्र के आशीर्वाद से दिव्यास्त्र प्राप्त करके शक्तिशाली बन गया है और दूसरी तरफ अप्सरा उर्वशी के श्राप ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। देवी, सत्य और धर्म का मार्ग पथरीला और कांटों से भरा तो होता ही है, इसलिए इस पर चलने वाले पथिक के पांव में छाले पड़ना भी स्वाभाविक है। धर्म का पालन करने वालों को इतना कठोर दंड दिया जाता है प्रभु। हाँ देवी, परंतु इस कठोर दंड के पर्दे में सत्यवादी पुरुष का कोई ना कोई बड़ा लाभ अवश्य छुपा रहता है। दंड से लाभ, ये कैसे संभव है प्रभु? देवी, अप्सरा उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप भी विधि का विधान है और मैं इस विधान में छुपे हुए वरदान को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। वरदान? प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवी, पांडवों को 12 वर्षों का वनवास तो लगभग समाप्त ही होने वाला है, उसके पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना अभी बाकी है। बस इसी 1 वर्ष के अज्ञातवास में उर्वशी का यह श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित होगा। इस श्राप के कारण अर्जुन अर्धनारी जैसा दिखाई देगा, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। अपने भक्त के लिए आप क्या क्या नहीं करते। देवी, अर्जुन केवल मेरा भक्त ही नहीं, मेरा सखा भी है। उसके लिए तो मुझे अभी भगवान भोलेनाथ से भी एक याचना करनी है।